राज्य में नई सरकार बनते ही अपराध की गति में भी वृद्धि आई है, चाहे वह बढ़ते नक्सली हमले हों या साइबर क्राइम, हत्या जैसे कई मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। बढ़ते अपराध के मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, राज्य सरकार का ध्यान भटका हुआ है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त पड़ी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, सरकार का ध्यान राज्य के लोग सुरक्षित कैसे हों, महिलाएं कैसे सुरक्षित हों, व्यवसायी कैसे सुरक्षित रहें, इस पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कहीं और है और यही वजह है कि आज जो स्थिति बनी हुई है कि आए दिन आपके अखबार के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, रोज घटना का जिक्र होता है, चाहे दुष्कर्म का मामला हो, चाहे छिनतई का मामला हो, चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, लगातार हो रहा है। सरकार का ध्यान इस और नहीं है, सभी लोग सुस्त पड़े हुए हैं, पुलिस विभाग भी इस पर कोई काम नहीं कर रहा। वहीं इस पर सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि पूर्व की सरकार में जो अधिकारी थे वही अधिकारी कार्य कर रहे हैं, कोरोना के कारण हमें समय नहीं मिल पा रहा, फिर भी बहुत हद तक अपराध पर अंकुश लगाया गया है। देखिए, पिछले सिस्टम जो थी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो अधिकारी था, आप देखेंगे पूरे राज्य में आज भी वही कार्यरत है। सरकार को समय नहीं मिला, बीच में कोरोना आ गया, 4 महीना लगातार अभी कोरोना से हम लोग परेशान हैं। इस परिस्थिति में सरकार बहुत अंकुश लगाई है और आप देखे होंगे कि 8-8 घंटे पे रिकवरी होती रही है। अगर हत्या हुआ तो तुरंत अरेस्ट हो गया है, बलात्कार हुआ तो पकड़ा गया है, लूट हुई तो पकड़ा गई है, तो ये कार्य हमेशा होता रहा। बहरहाल झारखंड में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को अब कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ओंकार आवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।